हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन। आज हम आपके पास आए हैं वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज लेके। एकेडमिक्स के सब्जेक्ट के साथ आपको जनरली अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी ग्रोथ ओवरऑल होनी चाहिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए यहाँ पे पेश है वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम ये बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट करेंगे हर करंट अफेयर्स से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट करंट अफेयर हम बात कर रहे हैं नीति आयोग की। नीति आयोग रिपोर्ट में देखिए, इसके आपके पास रिपोर्ट आई है जिसका नाम है हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन। हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन जो है आपके पास बिल्कुल एक अच्छा सा आपके पास वो उन्होंने प्रपोजल रखा है, जिसकी मदद से वो कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने रिकमेंड कर रहे हैं कि हमें रिड्यूस कर देनी चाहिए, एग्जेम्प्ट कर देनी चाहिए जीएसटी और कस्टम ड्यूटीज। किसके प्रोडक्शन पे? ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन पे, ताकि हमारी प्रोडक्शन इंडिया में इसकी बूस्ट हो सके। और तो और आपके पास ये ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर्स अगर आप बनाएंगे, प्रपोज करा है उन्होंने, स्टार्टअप अगर करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है अगर गवर्नमेंट इस पे फोकस करती है। क्योंकि कमिंग डेज में बाय 2050 आप देखना कि आपको जो ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि जो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस होती है वो हमारा फ्यूचर होगा। नेक्स्ट स्टेज, रामागुंडम इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। अब ये आपके पास ये जो पावर प्लांट आपको दिखाई दे रहा है इस फोटो में, ये फुल्ली ऑपरेशनल हो चुका है। और ये किसने करा है? बाय एनटीपीसी एट रामागुंडम तेलंगाना। तो देखो, आपके पास ये सोलर पैनल के बहुत सारे आपके पास की पॉइंट्स है। पहली बात, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 100 मेगावाट पावर जनरेट करने की। और ये प्रोजेक्ट जो है आपके पास 500 एकर्स पे, इसका रिजर्वायर जो है 500 एकर्स में स्प्रेड आउट हुआ हुआ है। इसमें जो प्रोजेक्ट है वो 49 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है और हर एक ब्लॉक की कैपेसिटी 2.5 मेगावाट है। और हर आपके पास ब्लॉक जो है वो वन फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म और मैट्रिक्स दिखाई देगा आपको 11,200 सोलर मॉड्यूल्स का। एक प्लस पॉइंट भी है आपका इसके पास, अगर आपके पास ये सोलर पावर प्लांट जो आपको फ्लोटिंग दिख रहा है, अगर ये ऐसे वाटर पे हम इसको लेके चल रहे हैं, यानी कि इसको अगर आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इसकी वाटर कंजर्वेशन में भी बहुत अच्छे रोल है। कैसे? कि आपके पास ये रिड्यूस करेगा एवोपरेशन रेट, तो जिसकी वजह से हमारे पास वाटर भी कंजर्व रह पाएगा। ओके, नेक्स्ट इज डीआरडीओ ने, यानी कि आपके पास हमारी रिसर्च ये डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को आपके पास बना लिया है। इन्होंने फर्स्ट मेड इन फ्लाइट का मतलब आपके पास पहली सक्सेसफुल फ्लाइट इन्होंने कैरिड आउट करी है। किसकी? अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, यानी कि बिना आपके पास किसी मैन के उन्होंने एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को, जिसका नाम उन्होंने रखा है ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, यानी कि विदाउट एनी मैन ये ऑटोमेटिकली आपके पास अपने आप चलेगी। और ये एयरक्राफ्ट कहाँ पे टेस्ट हुआ है? चित्रदुर्गा कर्नाटक में पहली फ्लाइट थी इस ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी की। और ये आपके पास एक सिग्निफिकेंट स्टेप बताया जा रहा है हमारे सेल्फ रिलायंस में, जो कि हमारे स्ट्रेट डिफेंस टेक्नोलॉजीज में, क्रिटिकल मिलिट्री सिस्टम में एक बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट स्टेप बताया जा रहा है। तो अगर ये आपके पास सक्सेसफुल हो जाता है, ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर इज बींग कॉल्ड, ये प्रीकर्सर कहा जा रहा है किसके लिए? ऑटोनोमस स्टिलिथी यूसीएवी, यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, जो कि किसने डेवलप करा है? डीआरडीओ ने। ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। वी आर स्टार्टिंग विद द क्विज। आपको क्विज से जितने भी हमारे पास करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, हम इसको देखते हैं हमारी नॉलेज कितनी है, चेक करते हैं और इसको और अपडेट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हु वॉज स्वॉन इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ उद्धव ठाकरे? तो आप गेस कर सकते हैं, इसके आपके पास ऑप्शन है देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, सुनील प्रभु और शरद पवार। क्या लगता है आपको, क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो देखिए, आपके पास जो नया चीफ मिनिस्टर है रेजिग्नेशन देने के बाद, उद्धव ठाकरे के बाद, कोई नहीं, एकनाथ शिंदे हैं। अगर एकनाथ शिंदे हम इसकी बात करें, इनकी बात करें, तो ये शिवसेना से, शिवसेना के रिबल लीडर हैं एकनाथ शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के सीएम बने हैं। वाइल बीजेपी लीडर जो देवेंद्र फडणवीस है, जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा था, वो क्या बने हैं? वो डिप्टी सीएम बने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केप स्टोन विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, आप लोगों ने सुना हो तो, इज द सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? इनमें से किस स्पेस एजेंसी ने केप
केपस्टोन नाम की आपके पास सैटेलाइट लॉन्च करी है, नासा, रॉस कॉस्मोस, इसा या स्पेसएक्स? क्या लगता है आपको इसका आंसर? देखिए, आपके पास नासा वो स्पेस एजेंसी है जिसने ये केपस्टोन को लॉन्च किया है। ये नासा ने रिसेंटली 25 kg सैटेलाइट जिसका नाम केपस्टोन है और जिसको आप शॉर्ट फॉर्म, जिसकी ये एब्रिविएशन है ये आपकी किसकी, सिसलूनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। सिसलूनर मतलब कि अर्थ और मून के बीच में। देखिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डार्क कर्म योगी पोर्टल? ये नया पोर्टल आपके पास है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डार्क कर्म योगी पोर्टल, इसमें से देखते हैं। फर्स्ट, ग्रीवेंस रीड्रेसल, ट्रेनिंग एम्प्लॉइज, अवॉर्डिंग बेस्ट परफॉर्मर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक शो। आपको क्या लगता है इनमें से क्या होना चाहिए? डार्क कर्म योगी पोर्टल। तो ये जो आपके पास इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस पोर्टल का, वो ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉइज को ट्रेन करने का, यानी कि ट्रेनिंग एम्प्लॉइज। ये एक ई लर्निंग पोर्टल है डाक कर्म योगी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, जो कि अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस। ओके, नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट टाइटल्ड इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी? ये रिपोर्ट किसने, किस इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली आपके पास रिलीज करी है? फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इज वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो जो आपके पास इंस्टीट्यूशन है जिसने ये आपके पास लॉन्च करी है, वो और कहीं नहीं, कौन है? नीति आयोग, जिसके बारे में हमने फर्स्ट स्लाइड में भी पढ़ा था। वही नीति आयोग ने रिलीज करी है एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। नेक्स्ट, विच ग्लोबल ब्लॉक लॉन्च्ड अ $600 बिलियन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान? किस ग्लोबल ब्लॉक ने इसमें से? ब्रिक्स, G7, G20, यूरोपियन यूनियन। क्या लगता है आप लोगों को इसमें से किसने आपके पास $600 बिलियन का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान लॉन्च किया है? तो वो जिस ग्लोबल ब्लॉक है जिसने ये लॉन्च किया है, वो है G7। US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने और अदर 7 G7 लीडर्स ने रीलॉन्च किया है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट एट देयर एनुअल गैदरिंग, जो कि आपके पास कहां पर हुई थी? स्कोलस एलमाउ इन जर्मनी। नेक्स्ट, व्हेन इज यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे ऑब्जर्व्ड? इनमें से कौन सी डेट पे आपको यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे आपके पास देखने को मिलता है? June 18, June 21, June 23, June 25? तो आपको यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे देखने को मिलता है June 23 को। और UN पब्लिक सर्विस डे आपको क्या एम करता है? ये एम करता है टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक सर्वेंट्स इन इंश्योरिंग कि आपके पास सारे के सारे सेक्टर्स, जो ग्लोबली सारे सेक्टर्स हैं, उनकी क्या हो रही है? डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं। और ये ऑब्जर्व कब करा जाता है? June 23 को। नेक्स्ट है आपके पास, 10th स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स? फर्स्ट, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये 10th स्केड्यूल की बात कर रहे हैं हम। सेकेंड, लैंड रिफॉर्म्स, एंटी डिफेक्शन लॉ, पंचायती राज। इनमें से आपको क्या लगता है? आपके अगर थोड़ी सी भी इसमें आपके पास, यानी कि क्वालिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो आप ज़रूर बता पाएंगे कि इसमें से आपके पास कौन सा ऐसा जो 10th स्केड्यूल का एस्पेक्ट है जिससे हम डील करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस, लैंड रिफॉर्म्स, एंटी डिफेक्शन लॉ, पंचायती राज। तो इसका आंसर और कुछ नहीं बल्कि एंटी डिफेक्शन लॉ है। 10th स्केड्यूल में, विच इज पॉपुलरली नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ, बिकेम पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द रिजल्ट ऑफ 52nd अमेंडमेंट एक्ट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे इन आर करंट अफेयर सीरीज एंड क्विज। सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आपको दिखाना है कि आपको पसंद आई कि आज के वीडियो के नहीं, और हम आपको रेगुलरली अपडेट करने की कोशिश करेंगे हमने अपनी वीकली करंट अफेयर्स के सीरीज में, और उससे भी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अगर आपको पसंद आए तो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग।